और आज यहाँ पर मुख्य रूप से मधुपुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई संजय सिंह जी और इस क्षेत्र के बहुत ही युवा साथी और बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिए हुए हमारे युवा साथी मुकेश दास जी और उनके साथ जितने भी भीम सेना के जो भी सदस्य लोग हैं जो उनसे सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं एवं धनंजय सिंह जी जो हम लोगों के बीच पलामू प्रमंडल से चल के आए हुए हैं और वो भी आपके लोजपा पार्टी से जुड़कर राजनीतिक मैंने अपना आयाम क्षेत्र में दिए हैं और आज सामाजिकता के नाते हम सबों के बीच है और भाई कुंदन सिंह जी जो उभी देवघर से चल के आए हैं और जितने भी युवा साथी और आज इस सिमरातरी ऐतिहासिक गांव जिन्होंने आज हमें इस मंच पर खड़ा होकर बोलने का जिन्होंने मौका दिया मैं सभी माता बहनों एवं जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं और युवा साथियों को मैं नमन करता हूँ नमस्कार करता हूँ और जोहार करता हूँ। साथियों आज मुकेश जी ने कहा कि बड़ी दुख की बात है लेकिन हम सबों के लिए लेकिन हम सबों को साथ करने की जरूरत है और जो बाबा साहब का जो विचार था और उन्होंने उस विकट परिस्थिति में जो आज मील का पत्थर जिन्होंने साबित करके दिखाया और आज हम लोग उनके पद चिन्ह पर चलने में जो हम लोगों को कठिनाई हो रही है और आज उनके जो विचारों तक जितनी तेजी से जो उनका विचार को पहुंचना चाहिए आज हम लोग को समाज में जो व्यवस्था आज बाबा साहब के द्वारा उनके लिखे हुए संविधान के द्वारा जो मिला है वो हम लोग शायद उतने बेहतर तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस विकट परिस्थिति में बाबा साहब ने हम सबों को आज वोट का अधिकार दिया। आप सभी जानते होंगे कि आज हम लोग कहते हैं कि ना 18 वर्ष हो गया तो हम लोग भी वोट दे सकते हैं लेकिन उस समय का जो प्रक्रिया था कि हो सकता है कि 10 एकड़ जमीन होगा वही वोट दे सकता है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं स्नातक पास किए हैं तभी वोट दे सकते हैं लेकिन आज जितने भी हमारे गरीब गुरबा माता बहन जितने भी युवा साथी हैं 18 वर्ष की जो उम्र सीमा है उसको पार करने के बाद वह स्वतः अपना मताधिकार का प्रयोग करने का भागी बनते हैं तो वैसे बाबा साहब को हम सबों को एक बार पुनः नमन करते हुए और उनका जो विचार है जो हम सबों के बीच और हम लोगों को अलग जगाने का जरूरत है उनको मैं पुनः नमन करता हूँ और आप सभी से युवा साथियों से आग्रह करता हूँ कि आज हम लोग एक प्रण ले और आज अपने आप में एक हम लोग कमिटमेंट करें और इस विचारधारा को हम लोगों को और आगे तक लेके जाना है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज आने वाले जो चुनाव है 16 दिसंबर को और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हम सबों को मधुपुर विधानसभा वासियों को मिला है जिन्होंने 15 साल देश के लिए नौसेना जिसको थल सेना और आपका वायु सेना में सबसे कठिन माना जाता है उस परिस्थिति से आके हम सबों के बीच सेवा देने का जो काम किए हैं और आदरणीय गरीब गुरबा की नेत्री और हम सबों की बहुत ही सम्मानित मैंने पान मायावती जी ने इन पर भरोसा जताते हुए एक समझ लीजिए कि भूमिहार समुदाय से होने के बावजूद भी इन पर जो भरोसा किया है उस भरोसे को हम लोगों को एक मजबूती से इनको मैसेज देना है ताकि लखनऊ तक इस आवाज जाए कि मधुपुर विधानसभा में जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं दलित समुदाय हो या ओबीसी समुदाय के लोग हैं जो भी समाजवाद की जो भाषा को समझते हैं जो सामंतवाद के खिलाफ है जो कि हमारे गरीब गुरबा के अत्याचार जो उनपे नहीं करें और उनके उस विचारधारा के जो विरोध है उन तक हम लोग एक मैसेज देने का काम करेंगे। आज बड़े गर्व की बात है कि आज आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम इस गांव में रखा सिमरातरी में आज मैं पहली बार इस गांव में आया हूं लेकिन भरोसा
पूरा प्रयास करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि और गांव के जितने भी भाई बहन हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, बच्चे लोग हैं, और अगले वर्ष हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर एक नया कमिटमेंट और अपने जो हौसला है उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। तो एक बार पुनः जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, जो आयोजक हैं, मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग पुनः इस तरह का कार्यक्रम हो तो एक बार आप मुझे जरूर